सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शोविक को आज एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र बता रहे हैं कि मंगलवार को जैद नाम के जिस ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया गया था उसके शोविक के साथ ड्रग्स की डीलिंग के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि शोविक जैद के संपर्क में था और सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स खरीदता था। इस सिलसिले में एनसीबी को एक व्हाट्सएप चैट भी मिली है। अक्टूबर 2019 की इस चैट में शोविक जैद से बड यानी गांजे की सप्लाई की मांग करते हैं। यही नहीं, शोविक ने ही जैद का नंबर एक बार सैमुअल मिरांडा को भी दिया। इस चैट में ड्रग्स की खरीद से जुड़ा कच्चा चिट्ठा भी मौजूद है। आज दोनों आरोपियों को एनसीबी कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी ताकि इस मामले की और गहराई से जांच हो सके। इस खबर से ये भी पता चला है कि एनसीबी शुक्रवार के बाद शोविक को भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में जुटी हुई है।